एक ऐसा भूतिया आइलैंड जहाँ एक साथ चली गई थी 160,000 लोगों की जान। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ जगह तो स्वर्ग जैसी सुंदर है, तो कुछ जगह ऐसी भी है जिनके बारे में लोग जानते हैं लेकिन वहाँ पहुँचने की हिम्मत नहीं करते। ऐसी ही जगहों में से एक है इटली का पवोलिया आइलैंड। इस द्वीप से जुड़ी कहानियाँ आपको खौफ से भर देगी। इसे दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड भी कहा जाता है। आप इस डर को यह सोचकर ही महसूस कर सकते हैं कि इस जगह को 54 साल से पूरी तरीके से बंद रखा गया है और यहाँ टूरिस्ट का आना जाना बंद है। इस जगह से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियाँ मशहूर हैं जिन पर अगर यकीन किया जाए तो आप कभी भी इस आइलैंड की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर 20वीं सदी के बीच एक मानसिक रोगों का अस्पताल चला करता था। साल 1930 के आसपास इस अस्पताल के होने की बात कही जाती थी। फिर बताते हैं कि अस्पताल के डायरेक्टर ने एक ऊंचे टावर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद उस आत्महत्या से जुड़ी तमाम कहानियां सामने आने लगी। अफवाह ये भी है कि अस्पताल में मौजूद मरीजों पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे। आज भी वहां वीरान इमारतों में डॉक्टर्स के टूल्स और टूटे हुए बेड पड़े हुए हैं। कुछ दिनों तक यहाँ नर्सिंग होम भी चलाया गया लेकिन 1968 से इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। पवोलिया आइलैंड बेनी और लीडो शहर के बीच में है। माना जाता है कि 14वीं सदी से पहले यहाँ प्लेग बीमारियाँ फैली और करीब 160,000 लोगों की जान चली गई। इस जगह पर ब्लैक डेड के सस्पेक्टेड लोगों को क्वारंटीन किया जाता था। पिछले 54 साल से यहाँ कोई नहीं गया और आइलैंड पर मौजूद बिल्डिंग्स भी खराब हो गई। साल 2015 में इसे फिर से डेवलप करने की कोशिश की गई थी लेकिन ये हो नहीं पाया। तब से यहाँ सिर्फ यूट्यूबर्स कभी कभी पहुँचते हैं और आइलैंड के वीडियो पोस्ट करते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।